कोविड-19 के बढ़ते दुष्प्रभाव संक्रमण दर को लेकर आज उच्च न्यायालय निर्वाचन समिति की आपातकालीन बैठक की गई, जिसमें यह तय किया गया है कि आज की एवं आगामी निर्वाचन की तय कार्यवाही को आगामी सूचना तक आगे बढ़ाया जाता है। सर, जैसा कि अभी बार एसोसिएशन ने डिसीजन लिया है कि जो बार एसोसिएशन काउंसिल के चुनाव होने वाले थे ये पोस्टपोन कर दिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोरोना के बढ़ते हुए दर को देखते हुए ये चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया था कि भैया शहर में कोरोना बढ़ रहा है, जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, कोई उसके ऊपर कंट्रोल हो नहीं रहा है, प्रॉपर मेजर सरकार भी ले रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी ले रही है, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस चक्कर में चुनाव समिति ने और जितने भी चुनाव में खड़े हो रहे पदाधिकारी थे अलग अलग पोस्ट के लिए, सब ने सार्वजनिक हितों को देखते हुए इसको चुनाव को स्थगित कराने की मांग की गई थी, जिसको चुनाव अधिकारी ने अन्य मेंबरों के साथ में मिलकर उसका प्रस्ताव पास किया और उस हिसाब से चुनाव को स्थगित किया। का जो इस पे रिएक्शन है वो मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब आपको इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जो चुनाव है वो हाईकोर्ट के मतदाताओं को देखते हुए एक संस्था है, जो एक परिवार है, अब परिवार में किसी का नुकसान और फ़ायदा देखा नहीं जाता है, लेकिन चूंकि परिवार है और सारे सीनियर्स हैं, उसके अंदर जूनियर्स हैं, साथ वाले हैं, तो उसको देखते हुए भी आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें फ़ायदा किसी को होगा या नुकसान होगा, ये बात अलग है कि आज चुनाव होना था तो उस चीज़ की एक बात अलग थी, लेकिन आज कोरोना का जिस हिसाब से प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए चुनाव स्थगित कराने में ही भलाई थी। आपका नाम? विराज गोथा।